नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने अर्थव्यवस्था पर ई कॉमर्स के दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता प्रकट की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों RRBs की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई KAPP4 ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू किया। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता के प्रत्यर्पण के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संपर्क में है। भारतीय शोधकर्ताओं ने उन्नत चिकित्सा ग्राफ्ट के लिए 4D प्रिंटेड कृत्रिम रक्त वाहिकाओं का विकास किया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल ISDRA2TNPB विकसित किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने अर्थव्यवस्था पर ई कॉमर्स के दीर्घकालिक प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता प्रकट की। यह चिंता नेट इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड कंज्यूमर वेलफेयर इन इंडिया नामक रिपोर्ट जारी करते समय सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर ई कॉमर्स का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ चिंताजनक पहलू भी उजागर हुए हैं। ई कॉमर्स आखिर क्या है? दरअसल ई कॉमर्स का अर्थ है डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं या सेवाओं की खरीद और बिक्री करना। इसमें डिजिटल उत्पाद भी शामिल होते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि ई कॉमर्स के इस विस्तार के पीछे कौन सी चुनौतियां हैं। चलिए एक नजर डालते हैं इन प्रतिकूल प्रभावों पर। पहला है अतुलनीय कीमतें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अक्सर प्रतिस्पर्धियों से छुटकारा पाने और बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भारी छूट देते हैं। इसका सीधा असर ये होता है कि प्रतिस्पर्धा कम हो जाने पर उपभोक्ता को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए मिलने वाली लागत धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, उपभोक्ताओं के लिए विकल्पों की कमी। अगर लोग ऑनलाइन खरीदारी से दूर हो जाते हैं तो उनके पास विकल्पों की कमी हो जाती है, और जब स्थानीय दुकानें बंद हो जाती हैं तो उन्हें सामान खरीदने के लिए दूर तक जाना पड़ सकता है। तीसरा है रोजगार की हानि। पारंपरिक खुदरा क्षेत्र में ई कॉमर्स के कारण प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती जा रही है, जिससे रोजगार में कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा निजता का मुद्दा भी सामने आता है, जहां उपभोक्ताओं के डेटा का दुरुपयोग हो सकता है, और साथ ही कानून का उल्लंघन भी एक अन्य प्रभाव है। उदाहरण के लिए वर्तमान में भारत में अमेज़न जैसे कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C लेन देन पर विनियाम किए प्रतिबंधों के बावजूद उपभोक्ताओं को सीधे अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं, जिससे नियमों की अवहेलना भी होती है। भारत में ई कॉमर्स से संबंधित विनियमन भी मौजूद हैं, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। लेकिन नकारात्मक प्रभाव के बाद भी ई कॉमर्स के कुछ सकारात्मक प्रभाव सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2030 तक के बीच ई कॉमर्स में 27% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR से बढ़ने की संभावना है। 2022 में कुल खुदरा बिक्री में ई कॉमर्स की हिस्सेदारी 7.8% थी। यह पारंपरिक खुदरा व्यापार पर कोई गंभीर नकारात्मक प्रभाव नहीं डालता है, बल्कि उपभोक्ता को सुविधा और लागत प्रभावशीलता के साथ लाभ पहुंचाता है। खासतौर पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हुई है। तो कुल मिलाकर ई कॉमर्स का प्रभाव कुछ इस तरह है कि एक तरफ उपभोक्ताओं और महिलाओं के लिए लाभदायक है, तो दूसरी तरफ पारंपरिक व्यापार और रोजगार पर भी असर पड़ा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सरकार इस संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस समीक्षा बैठक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए, जिनमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी सेवाओं को अपग्रेड करना और MSME क्लस्टर्स में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यवसाय के विकास की क्षमताओं का उपयोग करना शामिल है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हम कार्य समूह की सिफारिश के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 में की गई थी। इनकी स्थापना के लिए 26 सितंबर 1975 को अध्यादेश जारी किया गया था।
इसके अगले वर्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इन्हें और मजबूत किया गया था। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र तथा गांव के अन्य क्षेत्रकों को बैंकिंग और ऋण सुविधाएं प्रदान करना है। ध्यान देने वाली बात है कि वर्तमान में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश के 702 जिलों में 21,000 से अधिक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इनका स्वामित्व संयुक्त रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रायोजक वाणिज्यिक बैंकों के पास क्रमशः 50:15:35 के अनुपात में है। आपको बता दें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वास्तव में सरकारी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं तथा इनका विनियमन और पर्यवेक्षण RBI द्वारा किया जाता है। इनकी स्थापना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए की गई है, हालांकि शहरी क्षेत्रों में भी इनकी शाखाएं स्थापित की जा सकती है। खबर में आगे बढ़ते हैं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से जुड़ी चिंताओं के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। पहली चिंता है नई शाखाओं को खोलने में समन्वय का अभाव। इसकी वजह से कुछ क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कई शाखाएं मौजूद हैं तो कुछ स्थानों पर एक भी शाखा नहीं है। अगली चिंता है कम जमा राशि। इनकी शाखाएं सुदूर क्षेत्रों में होती हैं जहां समृद्ध ग्रामीण आबादी कम है, इस वजह से इन बैंकों में कम राशि जमा हो पाती है। इसके बाद है कुशल कर्मचारियों की कमी। शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अधिक आकर्षक अवसर मिलने पर इसके अधिकतर कर्मचारी बीच में ही नौकरी छोड़ देते हैं, इस वजह से इन बैंकों को कुशल कर्मचारियों की कमी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण आबादी खासकर कमजोर वर्गों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए इतनी कम ब्याज दरों पर ऋण देना मुश्किल हो जाता है, इसलिए ये प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। चिंताओं के बाद अब आगे की राह क्या होनी चाहिए इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दक्षता में सुधार करने के लिए इनके संरचनात्मक एकीकरण की आवश्यकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने 2004-2005 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संरचनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। एकीकरण की इस प्रक्रिया के तहत वर्तमान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 से घटकर 43 रह गई है। इसके साथ ही पूंजी में वृद्धि के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्पूंजीकरण यानी रिकैपिटलाइजेशन किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कर्मचारियों की संख्या की समय समय पर समीक्षा और उनमें क्षमता निर्माण किया जाना चाहिए। खबर के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का क्या महत्व है ये भी समझ लेते हैं। ये कमजोर वर्गों का वित्तीय समावेशन करते हैं, ग्रामीण एवं कृषि विकास में मदद करते हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने में मदद करते हैं, रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, बचत राशि जमा करने की सुविधा प्रदान करते हैं, डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, सरकारी सेवाओं की पहुंच का विस्तार करते हैं जैसे मनरेगा, मजदूरी वितरण आदि। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। 700 मेगावाट क्षमता वाले स्वदेशी काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र की चौथी इकाई KAPP4 ने पूरी क्षमता से कार्य करना शुरू किया। आपको बता दें KAPP4 एक दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर है। इसमें ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम और मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। यह संयंत्र गुजरात में स्थित है। इसने 2023 में क्रिटिकैलिटी के स्तर को हासिल कर लिया था। क्रिटिकैलिटी के तहत विखंडन की प्रत्येक घटना अभिक्रियाओं की एक सतत श्रृंखला को जारी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन निर्मुक्त करती है। वहीं 700 मेगावाट की दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर की यह इकाई थर्मल मार्जिन को भी कम करती है। साथ ही 2031 से 32 तक ऐसी 14 और इकाइयां क्रमिक रूप से शुरू होने की संभावना है। थर्मल मार्जिन की बात करें तो यह वह सीमा होती है जिस पर किसी रिएक्टर का परिचालन तापमान उसके सुरक्षित अधिकतम परिचालन तापमान से कम बना रहता है। 700 मेगावाट की इकाई में कौन कौन से एडवांस सेफ्टी फीचर्स शामिल हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। शुरुआत करते हैं थिन वॉल्ड प्रेशर ट्यूब से। ये एक सीमा से अधिक दबाव बढ़ने की स्थिति में किसी भी दुर्घटना की गंभीरता को कम कर सकती है। दूसरा फीचर है पैसिव डीके हीट रिमूवल सिस्टम। यह किसी भी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता के बिना रिएक्टर के कोर से डीके हीट या क्षय होती ऊष्मा को हटा सकती है। ये जनरेशन थर्ड प्लस संयंत्रों के लिए अपनाई जाने वाली समान प्रौद्योगिकी की तर्ज पर बनाई गई है। इससे फुकुशिमा जैसी परमाणु दुर्घटना की संभावना
को कम किया जा सकेगा। फुकुशिमा परमाणु दुर्घटना 2011 में जापान में घटित हुई थी। कंटेनमेंट की बात करें तो किसी भी रेडियो एक्टिव लीकेज की संभावना को कम करने के लिए स्टील लाइन कंटेनमेंट का उपयोग किया गया है। साथ ही मंदक प्रणाली के विफल होने से जुड़ी दुर्घटना में कंटेनमेंट प्रेशर को कम करने के लिए कंटेनमेंट स्प्रे सिस्टम को भी शामिल किया गया है। अब बात करेंगे भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की। देश में यूरेनियम के सीमित संसाधनों को देखते हुए महान वैज्ञानिक होमी भाभा ने भारत के लिए इस महत्वाकांक्षी 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। अब जानते हैं इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख चरणों के बारे में। पहले चरण में भारी जल रिएक्टर का उपयोग किया जाता है जिसमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का प्रयोग होता है। इस चरण का मुख्य उद्देश्य है विद्युत उत्पादन के साथ साथ प्लूटोनियम का उत्पादन करना। दूसरे चरण में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण से चलने वाले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इस चरण में थोरियम को यूरेनियम 233 में परिवर्तित किया जाता है जिससे ऊर्जा का उत्पादन होता है। तीसरे और अंतिम चरण में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इस चरण का उद्देश्य है थोरियम को यूरेनियम 233 में परिवर्तित करना जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करता है। भारत का यह 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और सतत उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के साजिशकर्ता के प्रत्यर्पण के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संपर्क में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की एक अदालत ने निर्णय दिया है कि मुंबई आतंकी हमले में शामिल पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी को भारत अमेरिका प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। आपको बता दें कि यह आतंकवादी अभी अमेरिकी जेल में बंद है। प्रत्यर्पण यानी एक्स्ट्राडिशन आखिर होता क्या है, इस बारे में बात करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रत्यर्पण एक देश द्वारा दूसरे देश को उन व्यक्तियों को सौंपना है जो उन आपराधिक मामलों में वांछित हैं जिनके लिए वे आरोपी या दोषी ठहराए गए हैं। साथ ही ऐसे आरोपी या दोषी दूसरे देश के न्यायालयों में मुकदमा चलाने की शर्तों को पूरा करते हो। ध्यान देने वाली बात है कि किसी आरोपी के लिए प्रत्यर्पण अनुरोध की प्रक्रिया जांच के अधीन विचाराधीन और दोषी ठहराए गए अपराधियों के मामले में शुरू की जा सकती है। अब खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत में मौजूद प्रत्यर्पण फ्रेमवर्क के बारे में समझ लेते हैं। भारत से दूसरे देशों में आपराधिक मामलों के भगौड़ों के प्रत्यर्पण से संबंधित अलग अलग कानूनों को प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के तहत एकीकृत किया गया है। इस कानून को 1993 में संशोधित किया गया था। यह कानून भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसके साथ ही किसी अपराधी के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय भारत सरकार लेती है। हालांकि इस निर्णय के खिलाफ उच्चतर न्यायालयों में अपील की जा सकती है। वर्तमान में बांग्लादेश सहित 48 देशों के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि है और 12 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौता है। प्रत्यर्पण के लिए मौजूद वैश्विक फ्रेमवर्क में कई कानून शामिल है, जैसे प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल संधि 1990, प्रत्यर्पण पर संयुक्त राष्ट्र मॉडल कानून 2004 तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2000। इसमें संगठित अपराध से जुड़े अपराधों के लिए प्रत्यर्पण से संबंधित प्रावधान शामिल है। खबर के अंत में प्रत्यर्पण के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। प्रत्यर्पण केवल द्विपक्षीय संधि में स्पष्ट रूप से उल्लेख किए अपराधों के मामलों में ही लागू होता है। इसके अलावा है दोहरी आपराधिकता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल क्रिमिनलिटी। इसके अनुसार जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण की मांग की जाती है वह प्रत्यर्पण का अनुरोध करने वाले देश के राष्ट्रीय कानूनों के अलावा जिस देश से अनुरोध किया गया है वहां के राष्ट्रीय कानूनों के तहत भी अपराध होना चाहिए। इसके बाद है विशिष्टता का नियम यानी रूल ऑफ स्पेशलिटी। प्रत्यर्पित व्यक्ति पर केवल उसी अपराध के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए जिस अपराध के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्यर्पित व्यक्ति के मामले में निष्पक्ष सुनवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। भारतीय शोधकर्ताओं ने उन्नत चिकित्सा ग्राफ्ट के लिए 4D प्रिंटेड कृत्रिम रक्त वाहिकाओं का विकास किया।
सबसे पहले जानते हैं 4D प्रिंटिंग है क्या। 4D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग से ही विकसित होती है। 3D प्रिंटिंग में एक नया आयाम यानी समय को जोड़ने पर 4D प्रिंटिंग प्राप्त होती है। 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में डिजिटल मॉडल से वस्तु को परत दर परत सामग्री जोड़कर तैयार किया जाता है, जबकि सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में ठोस ब्लॉक से सामग्री को काटकर हटाया जाता है। वही 4D प्रिंटेड वस्तुएं समय के साथ पर्यावरणीय दशाओं जैसे गर्मी, प्रकाश या नमी आदि के प्रति प्रतिक्रिया में अपने आकार या कार्य में बदलाव ला सकती हैं। अब बात करते हैं 4D प्रिंटिंग के उन उपयोगों की जिनसे चिकित्सा, सॉफ्ट रोबोटिक्स और एरोस्पेस जैसे क्षेत्र पूरी तरह से बदल सकते हैं। चिकित्सा में 4D प्रिंटिंग का उपयोग शरीर में दवा पहुंचाने, ऊतक निर्माण, अंग पुनर्सृजन आदि में किया जा सकता है। सॉफ्ट रोबोटिक्स में यह तकनीक अपने लचीलेपन और पर्यावरण के अनुसार स्वयं को बदलने की क्षमता के कारण महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं एरोस्पेस में 4D प्रिंटिंग से ऐसे पार्ट्स बनाए जा सकते हैं जो अत्यधिक चरम दशाओं के प्रति अनुकूलन में सक्षम और टिकाऊ हो, उदाहरण के तौर पर निटिनोल एलॉय का निर्माण। अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग सेंसर्स व लचीले इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक्टिव ओरिगेमी आर्ट में, सेल्फ इवॉल्विंग स्ट्रक्चर्स आदि में किया जा सकता है। 4D प्रिंटिंग के लाभों की बात करें तो पहला है गतिशील कार्यशीलता। यह पारंपरिक 3D प्रिंटिंग की क्षमताओं से आगे बढ़कर अनुकूली संरचनाओं के निर्माण में सहायक है। दूसरा है सामग्री दक्षता, यह अपव्यय को कम करती है। और तीसरा है जटिल डिजाइन निर्माण। स्टीरियोलिथोग्राफी 4D तकनीक की सहायता से जटिल डिजाइनों का कुशलतापूर्वक निर्माण संभव हो पाता है। लेकिन हर तकनीक की तरह 4D प्रिंटिंग की भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि प्रौद्योगिकी की उपलब्धता जो अभी विश्व में कुछ ही शोध संस्थानों तक सीमित है। इसके अलावा सामग्री की सीमाएं भी एक चुनौती बनी हुई है, जहां निरंतर विकृति की स्थिति में सामग्री का अपघटन हो सकता है। तो अंत में ये कहा जा सकता है 4D प्रिंटिंग एक क्रांतिकारी कदम है जो 3D प्रिंटिंग को आगे बढ़ाते हुए गतिशील और निरंतर सामग्री नवाचार को सक्षम बना रही है। इसके लिए आवश्यक है कि इसकी प्रौद्योगिकियों को व्यापक स्वीकृति मिले और सामग्री नवाचार को भी बढ़ावा दिया जाए। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल ICDRA2TNPB विकसित किया। ICDRA2TNPB को पादपों में जीनोम एडिटिंग के लिए अगली पीढ़ी का टूल माना जा रहा है। यह टूल CRISPR-Cas9 और CRISPR-Cas12 से भी बेहतर परिणाम दे सकता है। आपको बता दें कि क्रिस्पर उच्च सटीकता वाली जीनोम एडिटिंग तकनीक है। हालांकि आमतौर पर इस तकनीक में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोटीन Cas9 और Cas12 के आकार के कारण इसकी कुछ सीमाएं हैं। ध्यान देने वाली बात है कि इन प्रोटीन्स का बड़ा आकार कोशिकाओं के भीतर क्रिस्पर घटक को प्रभावी रूप से पहुंचाने, खासकर वायरल वैक्टर के जरिए पहुंचाने में चुनौतियां पेश करता है। TNPB प्रोटीन को Cas12 न्यूक्लियाइज का इवोल्यूशनरी एंसेस्टर माना जाता है। TNPB प्रोटीन के अंदर केवल लगभग 350 से 500 अमीनो एसिड्स होते हैं। जीनोम एडिटिंग टूल ISDRA2TNPB के बारे में बात करें तो इसे डाइनोकोकस रेडियोड्यूरेंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। यह बैक्टीरिया अत्यधिक विषम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी जीवित रह सकता है। यह ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन की फैमिली से संबंधित है। ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन RNA की मदद से विशिष्ट DNA अनुक्रमों को लक्षित करते हुए जीनोम के भीतर गतिशील रह सकता है। इस टूल के क्या महत्व है इस बारे में भी समझ लेते हैं। TNPB वास्तव में जीनोम के उन विशिष्ट क्षेत्रों को भी लक्षित कर सकता है जिसे Cas9 नहीं कर सकता। यह जीनोम इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के दायरे को व्यापक बनाते हुए फ्यूजन प्रोटीन्स के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक फ्यूजन प्रोटीन यानी काइमेरिक प्रोटीन दो या दो से अधिक जीनों को जोड़कर बनाया जाता है। ये जीन्स मूल रूप से अलग अलग प्रोटीन के लिए कूटबद्ध होते हैं। यह टूल दोनों प्रकार के फूल वाले पौधों यानी चावल जैसे मोनोकोट और अरेबिडोप्सिस जैसे डाइकोट पर प्रभावी था। मोनोकोट पौधे वे पौधे होते हैं जिसमें एक बीज पत्ती होती है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है कमचटका प्रायद्वीप।
रूस के सुदूर पूर्व में स्थित कमचटका प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप आने से शिवलुक ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। यहाँ की राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो यह रूसी संघ के सुदूर ईस्टर्न फेडरल डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। कुरील द्वीप समूह रूस के कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिणी किनारे से लेकर जापान के होक्काइडो द्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर फैला हुआ है। आपको बता दें कि रूस और जापान के बीच कुरील द्वीप को लेकर विवाद है। यहाँ के भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यह प्रायद्वीप पश्चिम में ओखोटस्क सागर और पूर्व में प्रशांत महासागर एवं बेरिंग सागर के बीच विस्तारित है। श्रीडिनी और वोस्तोचनी यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ कमचटका नदी बहती है। यहाँ अधिकतर टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ कोरियाक, चुपची और कामचदल जनजातियां पाई जाती हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित घोषित मामलों वाले मौजूदा सांसदों और विधायकों पर रिपोर्ट 2024 जारी की। इसके तहत कुल मिलाकर 151 सांसदों और विधायकों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। यूक्रेन की संसद ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC में शामिल होने के पक्ष में मतदान किया। यह एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता के अपराध के आरोपी व्यक्तियों पर अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग कर सकता है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड्स 2024 में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार A+ की रेटिंग दी गई है। हाल ही में इटली में सिसिली के तट के पास वाटर स्पाउट की परिघटना दर्ज की गई। वाटर स्पाउट बादलों से प्रचुर वायु का एक स्तंभ होता है जो किसी जल निकाय के ऊपर घूमता है। हाल ही में EU नेचर रिस्टोरेशन लॉ लागू हुआ है। ये प्रकृति की पुनर्बहाली के लिए यूरोपीय संघ का पहला महाद्वीप व्यापी कानून है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर पर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS उपकरण ने लूनर मैग्मा ओसियन LMO परिकल्पना के पक्ष में साक्ष्य प्रदान की हैं। यह परिकल्पना चंद्रमा की आरंभिक उत्पत्ति से संबंधित है। इसके अनुसार चंद्रमा वास्तव में अपने निर्माण से पहले पिघले हुए मैग्मा का महासागर था। TRAI ने टेरा हर्ट्ज बैंड में नवाचारी नई प्रौद्योगिकियों और सेवाओं को विकसित करने के लिए टेरा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंटल ऑथराइजेशन की स्थापना की सिफारिश की है। हाल ही में लियोनार्ड हेफलिक का निधन हो गया। उन्होंने हेफलिक लिमिट की अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसने बुढ़ापे की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। हेफलिक लिमिट वह संख्या है जितनी बार कोशिका विभाजित हो सकती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।